हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन ईयर द क्वेश्चन सीज कैन बी यूज स्लरी ऑफ ह्यूमन एस्कीटा इंस्टीट्यूट ऑफ काउड डंग स्लरी टू प्रोड्यूस बायोगैस इन अ टिपिकल बायोगैस प्लांट सपोर्ट योर आंसर एंड गिविंग रीजंस इसमें ये पूछ रहा है कि हम बायोगैस प्रोडक्शन के लिए क्या हम काउड डंग स्लरी की जगह ह्यूमन एस्केटा की स्लरी यूज़ कर सकते हैं इन अ बायोगैस प्लांट ओके लेट्स द की कांसेप्ट है दैट वी शुड फर्स्टली नो अबाउट बायोगैस प्लांट और बायोगैस क्या है देखो बायोगैस प्लांट में सबसे ज्यादा क्या यूज हो रही है बायोगैस यूज हो रही है बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होता है बायोगैस का प्रोडक्शन मेनली होता है एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है मिथेनोजेंस ये कहाँ पाए जाते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन ऑफ कैटल ह्यूमन ऑफ कैटल में ठीक है सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि जो भी बैक्टीरिया है वो कौन से टाइप की गैस प्रोड्यूस कर रहा है वो किस पे डिपेंड करता है कि वो कौन से ऑर्गेनिक मटेरियल पे ग्रो करेगा जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल पे वो ग्रो करेगा उसी टाइप की गैस वो प्रोड्यूस करेगा जैसे हम देखते हैं चीज़ हम बनाते हैं चीज बियर वाइन तो इनमें ज़्यादातर क्या होता है सीओ टू गैस प्रोड्यूस हो रही होती है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मिथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है तो यहाँ पे डिफरेंट क्या हो रहा है यहाँ पे डिफरेंट ये हो रहा है जो मिथेनोजन्स होते हैं मिथेनोजन्स है ना ये ये क्या करते हैं ये सेलुलोज की मटेरियल पे ग्रो करते हैं सेलुलोज सेलुलोज के मटेरियल पे एक ग्रो करेंगे ठीक है इस मटेरियल से क्या होगा ना यहाँ पे मिथेन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी तो ये कौन सी गैस मेनली प्रोड्यूस करते हैं मिथेन गैस ऐसे तो इसमें सी सी ओ टू टू भी निकलती है पर प्राइमरी हमारी मिथेन गैस निकलती है तो हमारे कैटल के रूमन में क्या होता है रूमन क्या होता है इनके स्टमक का एक पार्ट होता है चार पार्ट होते होता है स्टमक के तो एक पार्ट रूमन भी होता है तो वहाँ पे ही प्रेजेंट होते हैं अब देखो वहाँ पे ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं ये एनोरोबिकली ग्रो करेंगे क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन वैसे भी नहीं है ये क्या करेंगे सेलुलोज का मटेरियल है जाहिर सी बात है कि जो हमारे कैटल होते हैं वो क्या खाते हैं प्लांट वगैरह खाते हैं ये घास फूस खाते हैं तो उसमें सेलुलोज होता है प्लांट्स में सेलुलोज ही बोल होती है ना तो इनके पास सेलुलोज के एग्जाइम होते हैं हमारे पास सेलुलोज का कोई एंजाइम नहीं है हमारे पास सेलुलेज एंजाइम नहीं है जो सेलुलोज को ब्रेक डाउन कर सके पर कैटल्स के पास होता है तो ये क्या करते हैं जो ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है सेलुलोज के मटेरियल ग्रो करते हैं और मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं और ये मिथेन गैस हमको कहाँ मिलती है ये बेसिकली मिलती है गोबर में गोबर क्या काउडंग ठीक है काउडंग में ये गैस प्रोड्यूस होती है ठीक है और इसी हम इसको ही हम यूज करते हैं बायोगैस प्लांट में तो ये तो बात हो गई बैक्टीरिया की कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है और किस तरह से बायोगैस प्रोड्यूस होती है अब आते हैं हम बायोगैस प्लांट पे लेट्स मूव ऑन टू बायोगैस प्लांट कैसे काम करता है तो देखो बायोगैस प्लांट क्या होता है ये एक तरह से टैंक होता है दस से पंद्रह फीट का टैंक होता है इतना डीप होता है ये कौन सा टैंक होता, होता है कंक्रीट का टैंक होता है विच इज अबाउट टेन टू फिफ्टीन मीटर डीप इतना ज्यादा ये डीप है ठीक है तो इसमें हम क्या करते हैं इस टैंक के अंदर हम क्या डालते हैं पहले तो हम बायो वेस्ट डालते हैं देखो बायो वेस्ट जैसे क्या हो गया जैसे कि ये पत्ते वगैरह हो गए है ना छिलके हो गए तो इस तरह से ये जो चीजें होती है बायो वेस्ट कहलाती है एक तरह से जिसमें सेलुलोज प्रेजेंट है सेलुलोज की हमको बॉल चाहिए कुल मिला के ठीक है तो इसमें क्या करेंगे हम सलरी डाल देंगे किसकी सलरी डाल देंगे सलरी ऑफ औफ... काउडंग ठीक है जिसमें हमें क्या मिलेंगे ऑब्वियसली मेथेनोजन्स मिलेंगे मेथेनोजन्स क्या करते हैं ये सेलुलोज के मटेरियल पे क्या करेंगे मेथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे तो so, इस तरह से ये क्या प्रोड्यूस करेंगे ये प्रोड्यूस करेंगे बायोगैस और यही बायोगैस हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं होम्स में ठीक है यहां पे ये यूज हो सकती है ना लेस मोहन तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर हम काउडंग की सलरी की जगह अगर ह्यूमन एस्क्रीटा की सलरी यूज करना चाहें तो क्या हम यूज कर सकते हैं देखो कर सकते हैं अगर हम काउडंग की जगह किसकी स्लरी यूज करें ह्यूमन एस्क्रीटा की तो क्या होगा तो वो भी हम बायोग प्रोड्यूस कर सकते हैं कैसे देखो उसमें हमने क्या किया था बायोगेस लिया जिसमें सेलोरोज प्रेजेंट है ठीक है उसके बाद हमने बायोगेस में डाला काउडंग काउडंग में क्या प्रेजेंट है मेथेरोजेंस प्रेजेंट है यहाँ पे हमने क्या लिया है ह्यूमन एस्कीटा लिया है यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल तो आ गया एस्कीटा में हमें ऑर्गेनिक मटेरियल मिल गया मटेरियल मिल गया अब हमें क्या चाहिए इसके साथ में अगर हम मिला दें एन एरोबिक बैक्टीरिया एन एरोबिक बैक्टीरिया अगर एनरोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस आ जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमें मिल जाएगी बायोगैस और इससे बायोगैस की खास बात यह रहेगी कि यहाँ पे न्यूट्रिशन लेवल ज़्यादा रहेगा क्योंकि देखो ऑर्गेनिक मटेरियल ह्यूमन एसिटा का ज़्यादा सही होता है तो इसमें हमें न्यूट्रिशन लेवल ज़्यादा मिलेगा न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा ठीक है जैसे कि नाइट्रोजन हो गया फॉस्फोरस हो गया पोटेशियम हो गया और ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ठीक है थीके? तो बायोगैस तो प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप उसको एग्रीकल्चर में यूज करना चाहो तो भी कर सकते हो ये तो हो सकता है पर इसका प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन एस्किटा में हमें पता है ह्यूमन एस्केटाम यहाँ पे एक से प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पैथोजेंस हो सकते हैं जैसे काउ डंग में हमें पता था कि उसमें मिथेनोजन्स हैं जो कि बेनिफिशियल है वो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सेल को खा के हमें बायोगैस प्रोड्यूस करा देंगे मिथेन प्रोड्यूस करा देंगे पर यहाँ पे ह्यूमन में हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि पैथोलोजन्स है कि नहीं है क्या वो सेफ है एक तरह से यूज करने के लिए अगर हम उसे बायोगैस बनाते हैं हमें बाद में पता चला कि उसमें ऐसा बैक्टीरिया था जो कि या फिर ऐसी कोई चीज़ थी जो पैथोजन था तो उससे तो फिर वहाँ पे डिजीज प्रोड्यूस हो जाएगी बायोगैस तो प्रोड्यूस होगी साथ में डिजीज भी प्रोड्यूस हो जाएगी तो हम कर सकते हैं हम ह्यूमन एस्किटा को यूज़ कर सकते हैं पर इट इज़ बेनिफिशियल कि हम ज्यादा डंग की स्लरी को यूज करें सो हमें से यहाँ पे यही पूछा रखा है कि स्लरी ऑफ ह्यूमन एस्किटा हम यूज कर सकते हैं हाँ हम बिल्कुल कर सकते हैं बट पैथोजेंस का रिस्क रहता है उसमें और पब्लिक परसिप्शन भी थोड़ा रहता है कि हम ह्यूमन एस्किटा कैसे यूज कर सकते हैं क्योंकि वही बायोगैस हमारे होम यूज होने वाली है ठीक है होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल बेस्ट ऑफ लक